जल्दी चलो जल्दी चलो, फिर ट्रैफिक में फंस जाएगी, फिर बोलियो मत मेरे को। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं, देखिए कितनी ज्यादा ही भीड़ है, सारे के सारे क्रिएटर्स ही आए हुए हैं यहाँ पे। पहुंच चुके हैं भारत मंडपम में, फर्स्ट टाइम यहीं पे G20 हुआ था, हम तो पूरा देख रहे थे न्यूज़ पे, लेकिन आज हम खुद देख रहे हैं अच्छे से, बहुत सुंदर है। यहाँ के ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी इंटरनेट, पूरा हमारा फोन सामने निकल के आ गया। देखिए जब भी आप YouTube पे जाते हैं तो आपको जब भी मेन वीडियो देखना होता है जिसके लिए आप एक्चुअली YouTube पे जाते हैं, उसके पहले एक दो एड झेलने पड़ते हैं। आज का एड मैं हूँ, तो बस शुरू होने वाला है, अभी 10 बज चुके हैं और मोदी जी 10:30 आएंगे। इंडिया के सारे क्रिएटर आए हुए हैं यहाँ पे, पूरा हॉल भरा हुआ है, सारे के सारे क्रिएटर हैं, सोचिए। बेसिकली अंकित एक बार सबको हाय बोल दीजिए। एक बार आप भी थोड़ा हाय हेलो कुछ कर दीजिए लोगों के लिए। नेक्स्ट नॉमिनी ऑल ओवर इंडियन कॉन, शी नेम्ड आफ्टर गॉडेस सीता, सीता मां, एज वेल एज हर मदर टंग। शी अलोंग विद द टू यंगर ब्रदर्स ऋषभ एंड अयाची गेन्ड फेम फॉर सिंगिंग द रामचरितमानस ऑन हर यूट्यूब चैनल। इज शी मैथिली ठाकुर? क्या कोरस के लोगों ने आंसर दिया, वाह, मैथिली राइट इन द फ्रंट रो। मैथिली एक बार सबको हाय बोल दीजिए। देश की सर्वप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री जी का स्वागत, कृपया कंठ के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, और आप सब डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स न्यूज पॉडकास्टर राज शमानी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। For millions of Indians, the creator of New Bharat, Honorable PM Narendra Modi ji. They have raised awareness for New India. मैं सर, हेलो, हमें ऐसा लगा कि भारत वाला मिल ही जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। Now the cultural ambassador of the year award, और इस award की winner है जानी मानी गायिका मैथिली ठाकुर। आपके original songs होते हैं और आप पारंपरिक लोक गीत के माध्यम से विभिन्न भाषाओं में, विभिन्न भारतीय भाषाओं में गाती हैं और हमारे देश की समृद्ध संस्कृति को सामने प्रस्तुत करती हैं। मैथिली ठाकुर। मैथिली नमस्ते, बात कुछ सुनाई दो और क्या, क्योंकि लोग मेरा सुन सुन के थक जाते हैं। बिल्कुल सर, सबसे थक जाते हैं ना। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल मैं आपको सुनाती हूँ। और सबसे पहले सभी लोगों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। शिव जी का भजन कर रहा है। जी जी जरूर।
डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला भोला। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। सिंघी नाद बजावत गावत, सिंघी नाद बजावत गावत, लटक रही बगली झोला भोला। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। बहुत बहुत बधाई, आपने साधना भी की है, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मैं आपके साथ तस्वीर लेनी है? कैसे? अच्छा, सेल्फी के बिना नहीं चलता। आज रात से मुझे मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत शुक्रिया। इस ड्रू हिक्स इंडिया में भी शामिल अमन गुप्ता, जूरी मेंबर भाई क्रिएटिव वर्ल्ड में हमारे देश की बेटियां बहुत बड़ी मात्रा में सबको देख रहा हूं। मुझे बहुत गर्व हो रहा है आप लोगों को देख कर। आपके संबोधन से हम सब के लिए कुछ ना कुछ ग्रहण करने का अवसर मिलता है। आपका हार्दिक आभार। फिल्म क्रिएटर्स अवार्ड्स के माध्यम से हमारे डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स आज अलग अलग विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा रही है। पर आज नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड्स का शुभारंभ हुआ है। बिहारी बाबू है, मैं इनकी तरफ बोलने लग गई हूँ। मेरा बाल खराब हो गया। हमें बचाने के लिए सबने ह्यूमन चेन बना लिया है। राहुल ने क्या सो बोल रहे हर जगह भीड़ ही भीड़ है और बहुत डर लग रहा है कि अवार्ड ही ना मिल जाए। मेरा ऑलरेडी ये निकल गया है ना, अवार्ड नहीं जुड़ना चाहिए। बाकी ये जुड़ जाए। पहला इतना बड़ा अवार्ड दिया है देश के जो तमाम युवा हैं उनको किस तरीके का संदेश? ये सबसे पहले ये बहुत ही अनोखी पहल है क्योंकि हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। हम सभी ने फोटो कर लीजिए।
प्लीज आप अपना फोन पर अवार्ड के लिए हमें पोस्ट करनी है सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया रौनक भैया कांग्रेचुलेशन। तेरा नाम स्क्रीन पे आया था सबसे ज्यादा मैच चिल्लाया था। हां हां और मैंने वीडियो बनाया था। मैंने वीडियो बनाया था। ग्रेड लेने आप कैमरा चालू होते ग्रेड लेने आगे चलो। मैंने फोटो मौके का सही फायदा उठाया सेल्फी लेके। हां उसके बाद ना किसी ने उसके पहले भी किसी ने नहीं किया बात उसके बाद। ये एक फैन के लिए जो आपके बाल गए हां जिसने मुझे 2 महीने पहले से और जानवी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू हमें भी। और मैं ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रही लेकिन बन नहीं रहा मुझसे। अब सभी लोग वीडियोस बना रहे हैं और अच्छा नहीं ये बनाने कितना बढ़िया बढ़िया सब भी आए हैं। मम्मी देख रहे हो आप देखो जिनके ब्लॉग देखते हैं उनके साथ हुए हैं। अरे आपके पूरी फैमिली बिल्कुल हल्का लगता पॉइंट ना बहुत प्रिय भी होता है। और वो एक और छोटा भाई है वो भी इसी सिलसिले में हम मिलते हैं हमारे नंबर 1 पॉडकास्टर से। क्या आप मैं अपनी मौत के बारे में नहीं नहीं क्या आपको मजा आया? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है? वो झींगुर की आवाज प्रोसेस किया अब तक? मैंने प्रोसेस नहीं किया। क्या हुआ? मैं जैसा भी हूँ मुझे आपसे पर्सनली मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। बाय गए मैं ब्लॉग देखता हूँ आंटी के बहुत अच्छे होते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मेरे फादर इन लॉ मेरी बेटी को दिखाते हैं आपकी वीडियो और कहते हैं काश तू भी ऐसा गाना गाने सीखे। थैंक यू सो मच। एक और हमारे मिले। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो सो हैप्पी फॉर यू। थैंक यू सो मच। इतना ज्यादा देख लेते हैं ना कि फील ही नहीं हो रहा है पहली बार मिलना हो रहा है। ये फायदा सोशल मीडिया का कि हम कनेक्टेड रहते हैं। नाइस। ऑल द बेस्ट कीप इन टच। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट है क्योंकि इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है इंटरनेट पे खाना बनाना कैसे अच्छा और कम टाइम में। और मैं भी गाना सीख रही हूँ। वैसे भी आपने जो फर्स्ट सॉन्ग गाया था वो क्या होता है हमारे यहाँ तो शोहर बोलते हैं उसको जो बच्चे वाला शोहर तो हमारे मैं भी यूपी से जी पीएम के साथ सेल्फी भी ली आपने पता नहीं कैसे हो गया वो मेरा बड़ा मन किया कि मैं प्रधानमंत्री जी के साथ एक सेल्फी लूँ और उन्होंने माना। नमस्ते आंटी। नमस्ते आंटी। थैंक यू। देखो मेरे साथ ये भैया जो सबको डांट डांट के सिखाती है कि हेयर केयर कैसे करना है। हमारे शेफ अंकल है जो हमारे लिए स्पेशल ड्रिंक्स लेके आए हैं ताकि हम लोग ना एनर्जी में आ जाएं और हम फोटोज भी 2014 से मैं आपकी वीडियो 300 जब से स्टार्ट किया आपने सारे संगीत देखता हूँ सारी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू। और आप कश्मीर से हैं बहुत सुंदर सी जगह से तो आइए आपके साथ फोटो लेते हैं। अभी हम गाड़ी लेकर के जैसे निकले तो हमारे साथ न्यूज नेशन के अंकल जुड़ गए हैं और हम इनके साथ इंटरव्यू करने वाले लेकिन मैं उससे पहले अपना ब्लॉग बना लेती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में देश के उन युवा वर्ग से मुलाकात की है उससे बात की है
आज है NIDM का एक बहुत बड़ा सा फंक्शन जो वुमेंस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और उसको डिजास्टर मैनेजमेंट से कैसे जोड़ रहे हो हमारे से। तो हम भाग भाग करके पहुंच गए हैं और NIDM का आज फंक्शन है, तो हमारे सर यहाँ पे बैठे हुए हैं राजेंद्र रत्न जी, और सर हमारे बैठे हुए हैं संतोष कुमार, सर हमारे बैठे हुए हैं जिनसे मैं बहुत समय बाद मिल रही हूँ, और आज हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं, और आज हम लोग वुमेन्स डे कैसे महिलाओं का योगदान है डिजास्टर मैनेजमेंट में उसके बारे में आज बहुत सारी बातें होने वाली है, और मुझे कुछ नया सीखने को मिलने वाला है सर आपसे भी, सब जितने लोग आज बोलने वाले हैं सबसे। थैंक यू सो मच। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ NIDM ऑन स्टेज श्री कोसिजिन ली शांगथिम सर फॉर ऑन स्टेज टू जॉइन अस। That house separation, disaster induced separation, and that psychosocial dimension of a woman when a husband has a forced migration due to push factors from a village goes away. You also have touched upon, how, the other. तुरंत घर पहुंची, तुरंत मुंह हाथ धोई, और मैं तुरंत खाना लेके आई, आज सुबह से कुछ नहीं खाई, और ऑलरेडी कैमरा सेटअप हो चुका, फटाफट खा करके हम लोग जाएंगे, मैं पता नहीं क्या क्या बोल रही, चली आपको अपडेट देते रहेंगे। खाने के लिए टाइम नहीं अब दीदी, जल्दी करो, 3-4 इंटरव्यूज है लगातार। तेजस्वी भवा, वाह, आज का दिन ना, मतलब मैं क्या बताऊँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि आज हो क्या क्या रहा है मेरे साथ, इतना कॉन्ग्रेचुलेशन मुझे कभी सुनने को नहीं मिला जितना आज सुनने को मिल रहा है, बस ये कि आज का दिन बस अच्छे से बीत जाए, सुबह से फिर से नॉर्मल जिंदगी हो जाएगी, बहुत नॉर्मल। आज थोड़ा हुआ है कि फोन ऐसा लग रहा है कि हैंग हो गया हो, क्योंकि इतने सारे मैसेजेस नोटिफिकेशन, इतने सारे लोग बधाई दे रहे हैं ना कि मन बिल्कुल फूले नहीं समा रहा है, इसीलिए मैं व्लॉग भी आज साथ साथ बना रही हूँ, चाहे कितना भी भागा दौड़ी हो व्लॉग इसीलिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों को मैं बता पाऊँ, दिखा पाऊँ कि ऐसे वाले दिन में क्या होता है मेरे साथ। तो मैं खाना नहीं खा पाई थी एक्चुअली, बहुत ही हानी गुस्सा हो गया कि सब वेट कर रहे थे ना इंटरव्यू का, और मैं केक खाऊंगी लेकिन आपको फिर से अवार्ड दिखा देती हूँ। तो ये अवार्ड जो मुझे आज मिला है बहुत ही भारी अवार्ड है, मेरा फोन सच्ची में इतने नोटिफिकेशन आ रहे हैं, मेंशन्ड बाय नरेंद्र मोदी ऐसा लिखा हुआ आ रहा है।